बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आबकारी विभाग का बाबू 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 5000 की रिश्वत लेने के आरोप में आबकारी विभाग के बाबू राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन की टीम राजकुमार को लेकर कोतवाली थाने पहुंची, जहां उससे पूछताछ चल रही है। दरअसल आरोप है कि अपने ही विभाग के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार से चिकित्सा पूर्ति के कागजात पूरे करने के नाम पर राजकुमार बार बार रिश्वत ले रहा था। इस बार रिश्वत देने से पहले सुरेश कुमार और उनके कजिन डीपी राणा ने इंटेलिजेंस विभाग की टीम को पहले ही सूचना दे दी थी। रिश्वत लेने के दौरान ही बाबू राजकुमार सिंह को रंगे हाथ इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बाबू राजकुमार तस्वीरों में शर्म के मारे मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। देखिए इस मामले में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार के कजिन डीपी राणा ने क्या जानकारी दी। बाबू जी अपना परिचय दे दीजिएगा और आज क्या प्रकरण हुआ बता दीजिएगा। मैं डीपी राणा हूँ, तो सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल आबकारी विभाग में है, वो मेरा कज़न है जी। और वो पिछले करीब 2021 से जो बीमार हुआ था वो कोरोना की बीमारी से, तो उसने अपने बिल सबमिट किए थे विभाग में जी। विभाग का जो लिपिक है वो राजकुमार बाबू है। राजकुमार बाबू को उन्होंने सारे जमा कर दिए, जितने भी पेपर थे उसके डॉक्यूमेंट्स, उसने जो कमी बताई वो भी दूर कर दी। उसके बाद 2021 में वो CMO ऑफिस से होकर के भी आ गया, जैसा पता चल रहा है हमें, पता चल रहा है जैसे सूत्रों से, लेकिन ये कहता रहा कि मुझे वहाँ पैसा देना, वहाँ पैसा देना जब वो पास होगा। और CMO ऑफिस से पास होकर के आने के बाद हम फिर तेज हो गए, फिर हमने देखा भाई ये तो यार ये क्या नाम बगैर रिश्वत लिए काम नहीं करेगा। तो इसे 15 दिन पहले हमने कहा कि भाई बता कुछ इसको शुरू करवा दे, तो उसने कहा कुछ पेशगी दे दो, तो 1000 रुपये एज ए एडवांस कह लो, मिठाई कह लो, कुछ कह लो, उसने लिए सीधे। फिर हमारी हिम्मत बनी कि तो सीधा पैसा देगा, इसने कहा 5000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, तब आपकी फाइल में कराऊंगा, और उसके बाद जब आपका कैश हो जाएगा तब मैं आपको बाकी मुझे आपको देना पड़ेगा, आप मुझे देंगे। तो वो आज का दिन तय हुआ था 5000 रुपये रिश्वत के रूप में देने का। 2021 से अब तक लंबित पड़ा हुआ इसके स्तर पर, ये देखिए आप। और जो इनके अफसर हैं उन्होंने बुला करके कई बार इसको हड़काया। इस बीच में सुरेश भाई जो हमारे पीड़ित हैं, इनकी पत्नी एक्सपायर होगी दीपावली के दिन, हादसा मान करके उसका इलाज नहीं करा पाए पैसे के अभाव में। बड़ी अच्छी सर्विस करी इसने सुरेश कुमार ने, कोई रिश्वत नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, तो रिश्वत देना भी उसके लिए बड़ा बुरा लगा। तो हमने सूचना दी विभाग को, विभाग ने आकर के उसको ट्रैप कर लिया। किस पद पर तैनात है सुरेश भाई? ये हैं हेड कांस्टेबल आबकारी विभाग में, जिन्होंने रिश्वत लिया, जिन्होंने रिश्वत ली वो राजकुमार है, वो बाबू है। अच्छा हाँ, पीड़ित सुरेश कुमार है और रिश्वत लेने वाला राजकुमार जी। इस समय कहाँ है सुरेश कुमार जी? यहीं थे अभी तक, तो अब कहीं इधर उधर होंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।